इंदौर के विजयनगर पुलिस ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनी बनकर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए आरोपी पैसे डबल करने के नाम पर अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद और भी कई खुलासे पीड़ितों के सामने आने की उम्मीद है। विजयनगर पुलिस ने ग्रेविटी मॉल स्थित एल्गो ट्रेडिंग कंपनी पर दबिश देकर इसका भंडाफोड़ किया है। ऑफिस के बाहर चॉइस ब्रोकिंग कंपनी का बोर्ड लगा रखा था, जबकि काम शेयर बाजार का चल रहा था। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में शेयर ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कंपनी यहां युवक युवतियों को नौकरी देने के नाम पर ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे और ट्रेनिंग के बाद वे प्रदेश के शहरों के फोन लगवाकर शेयर ट्रेडिंग के नाम ठगी करते थे। पुलिस ने अब तक 1,60,00,000 की ठगी पकड़ी है। पकड़ाए आरोपी शुभम प्रजापति निवासी भमोरी, श्रव्या निवासी कालानी नगर और कुलदीप से पूछताछ जारी है, जिसमें जल्द कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ये कल विजयनगर थाना क्षेत्र में एक एडवाइजरी कंपनी थी, उस पर एक अपराध कायम किया गया है। जैसा कि पूर्व में भी कई एडवाइजरी कंपनीज के खिलाफ पुलिस ने मामले कायम किए थे, उसी के तारतम्य में ये भी एक कार्रवाई हुई है। इसमें एक ग्रेविटी एक मॉल था, वहाँ पर एक कंपनी थी, उसका नाम था चॉइस ब्रोकिंग। ये चॉइस ब्रोकिंग का जो बोर्ड लगा था उसमें एक फर्जी तरीके से एक कंपनी ऑपरेट हो रही थी। इसमें तीन लोग थे, एक था कुलदीप और शुभम और एक महिला अधिकारी थी श्रव्या। इन तीनों मिलकर एक कंपनी जो कि एक सही कंपनी थी, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, लोगों को बताते थे कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के हम एम्प्लॉई है और पैसा जो इन्वेस्ट करते थे एक ऐप के माध्यम से, इनकी खुद की जो बनाई कंपनी थी एल्गो ट्रेडिंग। तो इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और हमारे पास करीब 4 शिकायतें थी जिसमें इनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया था और इन चारों जो फरियादी थे उनकी रिपोर्ट पर से इनके विरुद्ध अपराध कायम हुआ। करीब अभी जो आया है उसमें 50,00,000 से ऊपर के करीब का वो ट्रांजेक्शन है। जी हाँ, ये जो महिला है श्रव्या जो है, जिसको आरोपी बनाया गया है, ये HR का काम था इसका, ह्यूमन रिसोर्सेस ट्रेनिंग वगैरह का काम था इसका। और ये जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको अपना इस तरह बात की ट्रेनिंग देती थी, आपको आपका एक्चुअल नाम नहीं बताना है, आपको सही नाम नहीं बताना, आपको एक अलग नाम से अपने आप को प्रेजेंट करना है। और जो एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके रखती थी, वो स्क्रिप्ट जो होती थी वो जब भी फ़ोन लगाते थे तो उनको उसी स्क्रिप्ट के थ्रू बताना पड़ता था। बैंक खाते मिले हैं, कितनी राशि खातों में ट्रांजेक्शन? बैंक खातों की जहाँ तक बात है, ये एक विवेचना का प्रश्न है। विवेचना में जो जो आगे आएगा उसके बारे में वो केस डायरी का हिस्सा होता है, इस कारण से मीडिया के सामने उसको खुलासा नहीं किया जा सकता। सर, क्या प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह कर रखा था इन लोगों ने? हिंदी इंग्लिश बोलने में बिल्कुल देखिए, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जानते हैं कि किस तरह से लोगों को 420 करनी है। पर इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इस तरह की घटनाएँ और भी पहले भी हुई है और दूसरे राज्यों में भी हुई है। हमारा आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि लोगों को आप इस तरह से चीज़ बताएं कि इस तरह की बहुत सारी फर्जी एडवाइजरी कंपनीज हैं, इनके चंगुल में ना आए। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।